Subscribe to Shemaroo Indian TV Classics and press the bell icon to never miss any updates. Banjara, Banjara, Hamara Aashiyana, Banjara. Banjara, Banjara, Hamara Aashiyana, Banjara. Har koi aa yahan, jana anjana, dost begana. हर दिन अफसाना नया नया एक ताना बाना नया नया है सबका ये ठिकाना बंजारा बंजारा हमारा आशियाना बंजारा Hello, Banjara Guest House, single room 200, double room 400, dormitory. What? Ghodi chahiye? You mean horse? Kaun mayor? Yes, yes, I know, mayor means female horse, I am good in English. Shadi hai? Kiski shadi hai? Oh, I see. मैं शादी के चक्कर में क्यों पड़ रहा हूँ? लुक मिस्टर हू एवर यू आर टॉकिंग आर घोड़े घोड़ी जानवरों के जू में मिलते हैं, ये इंसानों का जू है. आई मीन इंसानों का गेस्ट हाउस है. यस आई एम नॉट पागल, आई एम मैनेजर. मनोहर, मैं कैसी लग रही हूँ? वेरी ऑर्डिनरी. व्हाट? मैं शादी में जाने के लिए तैयार होके आई हूँ, तुम कह रहे हो मैं ऑर्डिनरी लग रही हूँ? ओह, तुम शादी में जाने के लिए तैयार होके आई हो. वेरी गुड, वेरी गुड. लेकिन मनीषा भाई, शादी में तो गहने पहन के जाते हैं ना, तो तुम गहने पहन के जाओ. तुमने आज तक मुझे कुछ लाकर दिया है जो मैं पहन कर जाऊंगी? एक मंगलसूत्र है, वो भी तुम्हारी नानी का. तो नानी का मंगलसूत्र तो खानदानी होता है ना, नानी खानदानी. आप लोग पूरी बात सुने बगैर सर माथे पे आ जाते हो. अरे मैं कमरा नंबर 7 की साहब की बात कर रहा था, उन्होंने कुछ मंगाया था. क्या? ये परफ्यूम मंगाया था. लेकिन पार्टी बहुत सॉलिड है, रात को 2-2 बजे तक घूमते रहते हैं. कल 1 बजे आए थे, लेकिन छोड़ के 2 दिन टाइम पे आए थे, 12:30 बजे. तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? ये क्या कहेंगे, रात को नींदें तो मेरी खराब होती है, दरवाजा खोलना पड़ता है उठ के. लेकिन एक बात है, नींद खराब करते हैं लेकिन 20 रुपए देते हैं टिप. 20 रुपए देते हैं, तब तो कल से मैं उठ के दरवाजा खोलूंगा, फिर मेरे को 20 रुपए मिलेंगे. मनोहर, शेम ऑन यू. तुम इस गेस्ट हाउस के मालिक हो, तुम ऐसी बातें सोचते हो? तो तुम मालिक को तनख्वाह नहीं देती हो तो फिर मैं. लगता है उनका चाल चलन अच्छा नहीं है, रोज रात को इतनी देर से और सुबह इतनी जल्दी जाते कहां हैं ये पता करना पड़ेगा. लेकिन मैं पहले परफ्यूम देके आऊं. ओके मस्तान, दरवाजा मैं खोलूंगा. गुड मॉर्निंग मेम साहब. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग साहब. गुड मॉर्निंग. परफ्यूम लाया तू? हां परफ्यूम लाया ना. अरे ये ओरिजिनल तो है. एकदम ओरिजिनल मेम साहब, इधर लगाएगा बैंडर में तो चर्च गेट तक खुशबू जाएगा. डब्बा कहाँ है? हाँ वो डब्बा कहाँ? डब्बा साहब वो 20 रुपए एक्स्ट्रा मांगता था, इसलिए आप उन डब्बा उधर दे दिया. मेम साहब अपने को लगाएगा थोड़ा सा. गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड. सवाल के मेम साहब शहर में बहुत आजकल. बाय बाय साहब. देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम इन मियां बीवी पर नजर रखो. तुमको तो शक करने की आदत पड़ गई है मनीषा, तुम तो मुझ पे भी शक करने लगती हो. कितने खानदानी लोग हैं वो, प्रभाकर और शालिनी देवी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मनीषा जी. गुड मॉर्निंग मनोहर जी. गुड मॉर्निंग शालिनी देवी. गुड मॉर्निंग जी. ओह माय गॉड, क्या क्या हुआ? कितने सुंदर कंगन है आपके, आपको अच्छे लगे? 24 कैरेट है, यू नो, प्योर गोल्ड. रियली? आपको मेरा ये हार कैसे लगा? लवली. आप
आप क्या शादी में जा रही हैं? जी, इतने से गहने पहनकर कोई शादी में जाता है? क्यों नहीं जाता? मनीषा जाएगी ना एक मंगलसूत्र पहनकर, प्योर गोल्ड 14 कैरेट। यस, अब मैं जाऊंगी। क्यों, आपके पास कोई नहीं है? है, मनीषा के पास गहने हैं, बहुत सारे गहने हैं, ढेर सारे गहने हैं। कहाँ है? बैंक में है। कौन से बैंक में? बैंक कहाँ के बैंक में? वो बैंक होता है ना, वो इलाहाबाद में होता है, आगरा में होता है, भोपाल में होता है, पुणे में भी होता है, पटना में भी होता है, सब जगह होता है, उस बैंक में है। क्या हुआ कि यस, बैंक की चाबी खो गई, तो चाबी खो गई। सो सैड। हाँ, 4-5 सोने के सेट थे, वो वहीं रह गए, तो अब मनीषा को एक मंगलसूत्र पहन के जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप मेरे कहने पहन के जाइए। बिल्कुल ठीक। देखिए, वैसे भी हम लोग यहाँ पिछले 7 दिन से रह रहे हैं और आने वाले 7 दिन तक और रहेंगे। अगर आप लोग चाहें तो मैं एडवांस में बिल पे कर सकता हूँ। ये लीजिए, चलिए। इस वक्त उसमें क्या है, बिल तो किसी भी वक्त लिया जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है ये लोग अपना बिल नहीं पे करेंगे? तुम्हें इन पर भरोसा नहीं है? इन्होंने लाखों के गहने पहन रखे हैं। 24 कैरेट और क्या, मेरे जैसे नहीं, एक मंगलसूत्र वो भी 14 कैरेट का। चिंता मत कीजिए, आप 7 दिन और हैं, आप बाद में पे कर दीजिएगा, इकट्ठा बिल दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस। तो फिर हम जरा बाहर जाकर आए। बाय द वे मनीषा जी, आपको शादी में कब जाना है? आप कब वापस आ रही हैं? उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो 2 बजे जाना है। अब मैं कुछ 4-4:30 बजे तक वापस आ जाऊंगी। तो मैं 5:30 बजे तक चली जाऊंगी। नहीं 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 शालिनी, हम 4:30 तक वापस नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे ना? नहीं आ पाएंगे। अच्छा, तुम ऐसा करो, ये अपने गहने अभी दे दो। गुड आइडिया, कोई बात नहीं, लीजिए। लेकिन फिर आप क्या पहन के जाएंगे? नहीं, ये है ना दूसरा, ये है, क्या है? नहीं, आप रख लीजिए, मैं तो शादी में नहीं जाऊंगी, तो भी चलेगा। हाँ हाँ, हम स्क्रैबल खेलेंगे। आई विल एंटरटेन यू, आई एम गुड इन एंटरटेनिंग। तो फिर हम जाए। चलो चलो, बाय बाय बाय। Thank you. In the 24 carats. Can't tell. Shri Krishna. 24 carat. Can't tell. Manohar, तुमने उसके गहने देखे? मैंने भी देखे। आपने भी उसके गहने देखे? जी हाँ। आपको किसने बोला था उसके गहने देखने के लिए? अरे, उसके गहने मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा भैया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आपने गहने देख लिए हैं, then tell me one thing, what is your intimate? भाई, मेरे ख्याल से तो वो गहने 2-2.5 लाख के होंगे। Can't tell. ये 2 लाख के तो होंगे ही। Can't tell. 1 लाख के तो होंगे। Can't tell. अरे, अजीब आदमी, इसको can't tell कहने के अलावा और कुछ आता नहीं है क्या? Can't tell. अरे वाकई, can't tell कहने के अलावा कुछ नहीं आता। आता है, सब कुछ आता है, मगर जो सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं उसका जवाब देना हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है। मतलब ये कि अगर आप वकील को कोर्ट के बारे में कुछ सवाल पूछने जाते हैं तो जाते जाते ही थोड़े ही सवाल पूछते हैं? नहीं ना, मैं भी जौहरी हूँ, अगर गहनों के बारे में कुछ पूछना है तो मुझे मेरी फीस देनी पड़ेगी, बाद में पूछिए। अच्छा, अगर हमें गहनों के बारे में कुछ पूछना हुआ तो हम आपसे मिल लेंगे, बाद में फीस भी दे देंगे। अपॉइंटमेंट लेकर आना, मैं यहाँ छुट्टी पे आया हूँ, room number 8 में ठहरा हूँ। अरे, room number 7 के सामने ठहरे आप? कोई एतराज? नहीं भाई, कोई एतराज। यस, बाय बाय। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता है। अब मनीषा, तुम्हें तो कोई भी आदमी ठीक नहीं लगता, तुम्हें तो मैं भी ठीक नहीं लगता। हाँ यस, तुम्हें तो वो अपना प्रभाकर और वो शालिनी देवी भी ठीक नहीं लगते हैं। हाँ, मेरे को मालूम है, वो तो उनके गहने देख करके तुमने अपना वो एटीट्यूड बदल लिया था। हाँ तो ठीक है, क्या हो गया, उसके गहने थे ही इतने अच्छे, तुमने तो आज तक मुझे कुछ लेके दिया नहीं। एक मंगलसूत्र है, वो भी तुम्हारी नानी का, 14 कैरेट्स का। अगर मुझे शादी में जाना हो तो मैं क्या करूँ? तो शादी में मत जाओ। क्या, स्क्रैबल खेलो? ठीक है, मैं नहीं जाती शादी में। मनीषा, अरे देखे, मनीषा कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। जहन्नुम मींस हेवन। मस्तान, आज बाकी सब लोग छुट्टी पर हैं क्या जो तुम खाना जला रहे हो? नहीं, खाना बना रहा हूँ मैं, इंतजार थोड़ा जल गया तो क्या हुआ, वो वेंसा पॉल गया बेला को लेकर उसका एडमिशन कराने के लिए। एडमिशन कहाँ? हाई स्कूल में। अब बताइए, मैं उसको यही कह रहा था कि उसको इतना होनहार दामाद मिला, उसको पढ़ाई की क्या जरूरत है? आप बताइए, क्या शादी के बाद मैं उसका बोझ नहीं उठा सकता? मैं इतनी देर से चाय के लिए चिल्ला रही हूँ, तुम यहाँ बैठ के अपने फ्यूचर के ब्यूटीफुल प्लान्स बना रहे हो? ब्यूटीफुल प्लान्स फिर बता रहा हूँ, ये ऑमलेट बना रहा था, थोड़ा सा जल गया। ब्यूटीफुल साहब,
एक बात है, वैसे आज आपने ब्यूटीफुल साड़ी पहनी हुई है और ये मंगलसूत्र। अच्छा अच्छा, आप शादी में जा रही है ना। साहब ये हाथ भी खाली है, गला भी खाली है, कोई कंगन नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं, मतलब ये आपको कम से कम साहब की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं होता तो बेला को शादी के बाद किसी के यहाँ भी बिना कंगन और गहने के नहीं जाने देता। मैं नहीं जा रही हूँ शादी में, मुझे नहीं चाहिए गहने। कंगन? मुझे नहीं चाहिए कंगन, मुझे चाय चाहिए। मैं डाइनिंग रूम में जा रही हूँ, वहाँ चाय लेकर आओ, समझे? ओके ओके ओके। डाइनिंग रूम हो गया कि कोप भवन हो गया? व्हाट डज थिंक्स मनीषा, आई कैन नॉट बाई कंगन, आई एम गुड इन बाइंग। हेलो गोल्डन ज्वेलर्स, यस। अच्छा देखिए, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि मुझे दो कंगन बनवाने हैं सोने के। क्या दुकान चल गई? ओहो कैसे चल गई? ओके ओके। अच्छा इंश्योरेंस तो था ना? गुड, तो आप घर पे बना सकते हैं कंगन? आई एम नॉट पागल, आई एम मैनेजर। नहीं शालिनी देवी, इतनी क्या जल्दी है? मतलब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? नहीं नहीं, वो लेंगी नहीं। नहीं वो लेंगी, वो मुझसे भी नहीं लेती। मुझे पता है। नहीं मुझे पता है। साहब आप प्लीज मना मत कीजिए। भाई साहब, भाई साहब, आई एम नॉट भाई साहब, आई एम मनोहर साहब। मुझे एक लंदन फोन करना है। यस, पर कॉल 3 रुपीज। टेल मी द नंबर। तो डार्लिंग रूम से कर लो ना। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं अपने कमरे से फोन कर लूंगा। पर कॉल 5 रुपीज। कोई बात नहीं, आप हमारे बिल में ऐड कर लीजिए। ठीक है डार्लिंग, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे बहुत सारे काम। चलो कमरे से फोन कर लो। थैंक यू भाई साहब। मनोहर साहब, भाई साहब, आई एम नॉट भाई साहब, आई एम मैनेजर। तुम कहनी शालिनी डालनी, तुम खुद ही चल के फोन क्यों नहीं करती हो? सब काम क्या मुझे ही करने चाहिए? मैं उसे कहने दे क्या कि तुम जाके फोन करो। भाई सुनो, उसे कहना कि अगर ग्रीन कार्ड मिलेगा तो ही हम आएंगे, समझे? जाओ। मनीषा जी, लो मैं आ गई। आपको शादी में जाना है ना? नहीं जी, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों क्यों? अब वहां जाके अपनी हंसी थोड़ी उड़वानी है, इसलिए मैं यही रहूंगी इस सड़े हुए गेस्ट हाउस में। अगर आपके घर नौकर में है तो मनोज भी क्या कर सकते हैं? आप मेरे गहने पहन कर जाइए ना, वैसे भी मुझे इन गहनों का क्या काम है, आप पहन कर जाइए। नहीं अब बहुत देर हो गई है, और अगर आज मैं शादी में ये गहने पहन लूंगी तो कल रिसेप्शन में भी मुझे ये गहने पहनने पड़ेंगे ना। तो क्या हुआ, आप इन्हें अपने पास ही रहने दीजिए और कल पहनकर रिसेप्शन में भी जाइए। ओके नहीं नहीं, आप रहने दीजिए प्लीज। हेलो, इज दिस सोना चांदी सेंटर? यस। अच्छा ये बताइए सोने का क्या भाव है? 4,010 grams, गुड बिजनेस। एंड 1 किलो में हाउ मेनी ग्राम्स? 1,000 grams। यस यस, दैट मीन्स 1,000 × 4,000, 4 crore। So if I have to make 200 grams kangan, then 4 crore and 200 is 50 crore. Good business. Yes. Tell me what about discount? I'm not pagal. कितनी सुंदर लग रही है आप। थैंक यू, आपने तो मेरी नाक कटने से बचा ली शादी में। क्या खाएंगी आप? मेरा फेवरेट बटर चिकन पराठा। कोई बात नहीं, मैं अभी भिजवा देती हूँ, बल्कि ऐसा करूंगी प्रभाकर जी के हाथों ही भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए, वो क्या है, वो हमारे कमरे से लंदन फोन लगा रहे हैं। ओ कोई बात नहीं, आप पूरी दुनिया में फोन लगाइए, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। हेलो डायमंड ज्वेलर्स, हाँ यस। देखिए मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मुझे दो कंगन बनवाने हैं सोने के, बनवाने हैं ऑफ कोर्स, यस। हाँ तो दो सोने के कंगन मंगवाने हैं, प्योर गोल्ड 24 कैरेट, तो कितने के बन जाएंगे? ग्राम, जस्ट ए मिनट, यस 200 ग्राम।
मनीषा, don't disturb me. I'm already disturbed. क्या कर रही हो मनीषा? देखो ना कितने अच्छे कंगन हैं। प्रभाकर जी ने कहा है जब तक हम लोग यहाँ रहते हैं आप ये कंगन पहन सकती हैं। लग रही है ना मैं अमीर? देखो मनीषा, मुझे तुम्हारी ये झूठी शान बिल्कुल पसंद नहीं है। यस नहीं तो मुझे असली कंगन ले दो, असली शान हो जाए। प्रभाकर जी बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, कंगन पहनते ही प्रभाकर जी अच्छे आदमी हो गए? यस। कंगन पहनते ही तुम्हारा जमीर खो गया? यस। कंगन पहनते ही तुम्हारा एप्टीट्यूड बदल गया? यस। तो पहले तो तुम कहती थी कि उन दोनों का चाल चलन ठीक नहीं है। वो तो मेरा पागलपन था। देखो मनीषा, तुम मेरे को सिर्फ डांटते हुए अच्छी लगती हो, गाते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब मुझसे आप चुप हो जाओ, चुप। साहब, साहब, ये देखिए क्या हाल बना रखा है इसने, रो रो के। साहब साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम भी इंसान हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या बेला, तुम बताओ। वो शालिनी देवी है। एक मिनट साहब, वो सात नंबर कमरे में ठहरे हुए ना कपल, वो शालिनी देवी, वो क्या क्या, तुम बताओ बेला क्या कह रही थी वो? उनको बाजरे का, एक मिनट, वो बाजरे के आटे की रोटी मांग रही थी साहब, बाजरे के। आप बताइए वो बंजारा गेस्ट हाउस बॉम्बे में ठहरी हुई या किसी गाँव में ठहरी हुई है? क्या क्या कह रही थी बताओ, तुम बताओ। उनको है ना वो, एक मिनट, वो बाजरे के आटे की रोटी जब इसने कहा नहीं है हमारे पास आटा, तो कहने लगी कि पता नहीं क्या क्या कह रही थी उनको जना। एक मिनट साहब, गाली देने लग गई, गाली बदतमीजी करने लग गई। अब ये लड़की रो रो की क्या, कोई बात नहीं। ए मस्तान, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, मनो हाथ हटाओ। भीम साहब, इतना सारा गोल्ड, ओ माय गॉड, ये कहां से आया? साहब साहब, मैं मान गया आपको, आखिरकार आपने भीम साहब को खुश कर ही दिया। बाकी भीम साहब, आपका बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है। हां हां, और देखिए साहब, हमारे कितना सारा गोल्ड और लाके देंगे आपको। मेरे ऐसे नसीब कहाँ हैं? खैर, कल के रिसेप्शन में तो मैं ये ज्वेलरी पहन के जरूर जाऊंगी। अच्छा, अब मैं जाकर किचन में अपने हाथों से मिस्टर प्रभाकर के लिए एक अच्छी सी स्पेशल डिश बनाती हूँ। बाय। नहीं मनीषा, तुम उसके लिए अच्छी सी डिश नहीं बनाओगी, मेरे लिए बनाओगी। आई एम मैनेजर, ही इज ओनली प्रभाकर। मनीषा, तुम शादी के रिसेप्शन में नहीं जाओगी। अरे अरे मनीषा जी, इतना सारा सोना, सोने के कंगन आपके हाथ में है, क्या लाजी का योग फल गया क्या? यही समझ लो टीपी। अरे भाई मनोहर साहब, मुबारक हो, मुबारक हो, इतना सारा सोना मनीषा जी के हाथ में, सूर्य की कृपा भाई। बाबा शट अप, शट अप, शट अप, नो 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 नो, यस शट अप, नो शट अप, यस शट अप। अगर अब तुमने गहने की बात की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। यस साहब, आप तो ऐसे बौखला रहे हो जैसे आप कहीं से चोरी करके लाए हो ये सोना। नाउ यू ऑल शट अप, यू ऑल डिसअपीयरिंग इनटू द किचन, वॉकिंग ऑन योर फीट एंड लीविंग मी अलोन। ओह, ही इज गुड इन इंग्लिश। अब ये सारे जेवर पहन के और शादी के रिसेप्शन पे जाएगी और मेरी इज्जत का फलूदा निकाल देगी। यस नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आज रात को मौका मिलते ही सारे जेवर कहीं छुपा दूंगा। यस कंगन, आई फाई वेन गॉड नोज। किचन, यस। Thank you.
हेलो बंजारा गेस्ट हाउस प्रीतम हूँ प्रीतम आई एम नॉट प्रीतम बहने नो नो बहने गहने हाउ डू यू नो अबाउट गहने ओ प्रीतम ज्वेलर्स सॉरी इट्स लंच टाइम नाइट आई विल ईट माय लंच इन नाइट गुड नाइट नींद नहीं आई आज पहले ही कहा था मस्तान कुछ खा ले खाली पेट नहीं आई लेकिन माना नहीं तू अब तो करना ये पॉल ने गैस अलार्म लगा रखा अच्छा बंजारा बंजारा हमारा आशियाना बंजारा 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 हमारा आशियाना बंजारा